कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम कुशल कार्डियक केयर ठाणे। ये हफ्ता पूरी दुनिया में 25 सितंबर टू 2 अक्टूबर ये हफ्ता पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है एज ए सडन कार्डियक डेथ एंड ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर अवेयरनेस प्रोग्राम। मतलब सडन कार्डियक डेथ क्यों होता है, उसका कारण क्या है, उसको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, ये मैसेजेस इस हफ्ते में जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है वो पूरी दुनिया को देना चाहती है, जनरल पब्लिक को। आप मानोगे नहीं, आप में से बहुत से लोग किसी ना किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो अगर आप कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करोगे। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। सडन कार्डियक डेथ रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनफैक्ट इंडिया में हर साल तकरीबन 7 लाख लोगों का सडन कार्डियक डेथ होता है। सडन कार्डियक डेथ का मतलब क्या है? पेशेंट का सडनली डेथ हो जाता है क्योंकि उनका हार्ट काम नहीं करता है। तो अगर सिम्टम या कोई भी तकलीफ होने के 1 घंटे के अंदर पेशेंट का डेथ हो जाता है उसको बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ, या कोई कारण नहीं पता है और विद इन 24 आवर्स पेशेंट का डेथ हो जाता है उसको भी कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। अगर कार्डियक हार्ट बंद होने के बीच में कुछ ही मिनटों में डेथ हो जाता है उसको कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। तो आपने बहुत बार सुना होगा, अरे वो तो रात में अच्छा था, सुबह उठा तो पेशेंट नहीं था, या फिर मॉल में आपने देखा होगा कोई गिर जाता है बेहोश होके। तो इस चीज़ में आपको पैनिक नहीं होना है, आपको अपने सामने वाले की, उस पेशेंट की या उस बंदे की आपको हेल्प करना है। सडन कार्डियक डेथ जो होता है वो यंगस्टर्स में भी हो सकता है। इनफैक्ट मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जो देखा जाता है इसका है 30s एंड 40s। इसके बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। ये मेल्स में फीमेल्स के मुकाबले डबल होता है, दुगना चांस होता है मेल्स में। इसके मेजर कारण क्या होते हैं? हार्ट का रिदम प्रॉब्लम्स, एरिथमियाज, सबसे कॉमन उसमें से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, मतलब दिल का धड़कन बहुत तेज हो जाता है, 300 से 300 बीट पर मिनट चलता है। मोस्ट कॉमन कॉज है सडन कार्डियक डेथ का इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब दिल के नसों में ब्लॉकेज आना, हार्ट अटैक, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि इसको आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं और आप डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं ताकि उस पेशेंट को थोड़ा टाइम मिले जब तक आपका इमरजेंसी केयर वहाँ पहुँच सके। नमस्कार, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इमरजेंसी में आप एज ए इंडिविजुअल कैसे आप किसी की जान बचा सकते हो। जस्ट इन केस सपोज यू आर स्टैंडिंग इन अ मॉल और आप कोई आपके सामने चक्कर आके गिर जाता है या बेहोश हो जाता है कोई इंसान, तो आपको पैनिक नहीं करना है। देयर आर फ्यू रूल्स। रूल नंबर 1, कॉल फॉर हेल्प। जब तक आप वहाँ पहुँचते हो उतने देर में आप पुलिस को कीजिए या डॉक्टर, किसी एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए, किसी हॉस्पिटल को कॉल कर दीजिए। 1, कॉल फॉर हेल्प, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले पेशेंट को जाके देखना है रिस्पॉन्स। सो रिस्पॉन्स क्या है? पहले पेशेंट को देखना है जिला के साहब, अरे सर आपको क्या हो गया, सर आपको क्या हो गया, लुक वेदर ही इज रिस्पॉन्डिंग और नॉट। नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, हाथ पर नहीं हिला रहा है, तो आपको समझ जाएगा कि ये बेहोश हो चुका है। देन सेकंड, ये सब कुछ कुछ सेकंड्स में होना चाहिए, ठीक है, इसमें आपका 5 सेकंड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सेकंड से या थर्ड से बाबू ड्राइवर से कैरोटिड पालपेट करना है। इसका कैरोटिड पालपेट बनेगा, इट्स वेरी सिंपल, दिस इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। ये कोई प्रोमिनेंट जगह एडम्स एप्पल, यहाँ आपका उंगली रख के इसको स्लाइड करना है तो आपका उंगली एक ग्रूव में एंड होगा, इस ग्रूव में आप पल्स को पालपेट कर सकते हो। अब ये एक बंदा गिर गया, मैं इसे बता दो कैसे, ये एडम्स एप्पल है, इसमें से आप जाके इसको ग्रू में ऐसे ऐसे जाएंगे लैटरली और इसमें ग्रू में आपका हाथ फंस जाएगा, वहाँ यू कैन पालपेट द आर्टरी। नहीं लग रहा, दिस ऑल्सो टेक 3 or 4 seconds ओनली। तो ये रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं, पेशेंट का सांस चल रहा है क्या, तो आप जब पेशेंट के पास होते हो आपको या तो चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है क्या ये देखना है, पेशेंट का सांस चल रहा है क्या हाथ लगा के देखना है, या कैन यू हियर द वॉइस ऑफ द ब्रेथ, सांस की आवाज़ आ रही है क्या, ये 3 चीज़ देखना है। अगेन फ्यू सेकंड्स, नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली आपने कॉल ऑलरेडी कर चुके हो हेल्प के लिए, तो आपको इमीडिएटली शुरू करना है जिसको बोलते हैं CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन। इससे आप कुछ लोगों की जान बचा सकते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट इज कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन? इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस बाय विच आप पेशेंट का सर्कुलेशन, हार्ट के सर्कुलेशन को शुरू करवाते हो, क्योंकि ये क्या हुआ है, पेशेंट का हार्ट बंद हुआ है तो ब्लड बाहर नहीं जा रहा है, तो बाकी ऑर्गन्स को, ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा है,
तो आप क्या करोगे, यहाँ प्रेशर देके आप पंपिंग करोगे जिससे ब्लड मिले ब्रेन को और बाकी सब ऑर्गन्स को और हार्ट को भी खुद को, ठीक है। सो देयर इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ दैट। पेशेंट आपने आप आए आपने देखा पेशेंट गिर गया है, आपने फोन किया कॉल फॉर हेल्प, रिस्पॉन्स पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सांस चल रही है या नहीं चल रही है, कैरोटिड पल्पिट किया कैरोटिड है नहीं है, सो नहीं है देन यू नो कि आपको CPR देना है। तो CPR कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन आपको फील करना है पेशेंट के पेट में, पेट से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ एक हड्डी फील होगी, उसको बोलते हैं स्टर्नम। तो ये जीपी स्टर्नम सबसे पहला पॉइंट फील होगा, जीपी स्टर्नम, उससे दो उंगली ऊपर आपको अपना हाथ रखना है, कोई भी हाथ राइट या लेफ्ट, ये हाथ को यहाँ रखना है, ठीक है। मिडल ऑफ द चेस्ट, बहुत लोगों का ये समझ होता है कि हार्ट लेफ्ट में है तो लेफ्ट में पंपिंग करना है, नो पंपिंग आपको बीच में करना है, बीचो बीच जीपी स्टर्नम के दो उंगली ऊपर आपने ये रखा, दूसरे हाथ को ऐसा इसके ऊपर ग्रिप कर लिया, ओके। इसके बाद आपको इसको प्रेस करना है, और यूजुअली अगर आप अकेले हो तो आपको बीच बीच में सांस भी देना पड़ेगा, अगर आपके साथ कोई है तो सीख देर है उनको बोलिए आइए आप इसको मुंह में सांस दीजिए, अगर दो लोग हैं तो पांच पंपिंग के बाद वो सांस दे सकता है, लेकिन अगर आप अकेले हो तो आपको ये शुरू करना है, 30 करना है, 30,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो एल्बो यहाँ से नहीं झुकना चाहिए, द प्रेशर शुड कम फ्रॉम द शोल्डर्स। आपको गलत क्या बता देता हूँ, ये गलत है, एल्बो शुड बी स्ट्रेट, ये सही है, प्रेशर आना आपके शोल्डर से है ना, दिस इज राइट, क्योंकि सिर्फ प्रेस करने से ब्लड नहीं बाहर जाएगा, उसके कुछ क्राइटेरिया है, इसमें प्रेशर जाना चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए आपका चेस्ट, नहीं वरना ये इफेक्ट नहीं करेगा, इसको 5 सेंटीमीटर नीचे जाना है। कैन यू सी दिस इज अ मैनिक्विन, इफ यू कैन सी इंडिकेटर हियर, अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ लाइट नहीं आ रही है, बिकॉज दिस इज नॉट इनफ, यू कैन सी अ ग्रीन लाइट देयर, कैन यू सी, तो ये सही है, 30 हो गया, तो इसके लिप्स के अराउंड अपना लिप्स लगाना है, आपको अंदर सांस लेके ब्लो नहीं करना है, इससे हवा नहीं जाएगा, आपको ब्रीथ करना है, इसका लंग ऊपर जाना चाहिए, जब आप चढ़ते हो तो लंग्स ऊपर जाना चाहिए, तब उसके लंग्स को सांस मिलेगा, बट अभी हमको समझ गया है कि रेस्पिरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन है, आपके पेशेंट को क्या बचाने वाला है, सर्कुलेशन, आपका CPR पेशेंट को बचाने वाला है, ना कि आपकी सांस, अगर आप दो लोग हैं तो यस एक जन सांस देगा एक जन पंपिंग करेगा, तो आप दो बात इसमें समझिए समझनी है कि गलत CPR नहीं करना है, जीपी स्टर्नम को फील कीजिए, उससे दो उंगली ऊपर अपना पाम यहाँ लगाइए, ये दूसरे हाथ को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, इसके ऊपर ग्रिप बना लीजिए और अपने शोल्डर से प्रेशर डालिए, ना कि एल्बो से, शोल्डर से 30 करना है सांस देना है, 30 करना है सांस देना है, बिलीव मी आप जितने लोगों को करेंगे उसमें से आधों को आप बचा लोगे, इट इज अ बिग नंबर। तो इससे क्या हो जाता है कि जब तक एम्बुलेंस आएगी या डॉक्टर्स आएंगे पेशेंट को उतना टाइम मिल जाता है, या पेशेंट का हार्ट यू कीप वर्किंग, तो बाकी के ऑर्गन्स खराब नहीं होते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ CPR कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन। कुछ अगले वीडियोज में हम आपको बताएंगे कि इसके और क्या इलाज होते हैं। मैं जैसे आपने देखा मैंने CPR के बारे में आपको बताया, तो आदमी को बचाने का या इस प्रोसेस का 3 वर्ड होता है ABC, A is airway, B is breathing, C is circulation। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया सर्कुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्कुलेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो यू गिव CPR टू द पेशेंट। एयरवे कैसे ओपन करते हैं, पेशेंट ऐसा लेटा है तो आपको उसका जॉ को ऊपर करना है, दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट हेड को नीचे करके जॉ को ऊपर करना है, सो दैट एयरवे रिमेंस ओपन, आपका एयरवे बंद हो जाता है जब आप ऐसे रहते हो तो काफ़ी देर तक, तो इट हैज़ टू बी ओपन, एयरवे को ऐसे ओपन कराना है, ब्रीथ आपको ब्रीथ देना है, लंबा सांस लेके सांस लेना है, फ्लो नहीं करना है,
These are three very important parts: airway, breathing and circulation. Circulation आप शुरू रख सकते हैं इससे. इसके अलावा इसके क्या ट्रीटमेंट है? जैसे मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट कॉज इसका है हार्ट अटैक. तो हो सकता है ये हार्ट अटैक का पेशेंट था जिसको वेंट्रिकुलर अरिथमिया या फिर रिदम चेंज हो गया जिसका, उसके कारण वो बेहोश हो गया. जैसे ही आप CPR दोगे, अगर वो सिर्फ वी टैक के कारण है तो वो आदमी होश में आ सकता है. लेकिन अगर ये रिदम नहीं जाता है तो इसके लिए और एक ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक. आपने मूवी में देखा होगा कि पेशेंट को OT में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, बट उसका इंपॉर्टेंस उतना ही ज़्यादा पब्लिक एरियाज में है. तो एक्चुअली इन मेनी पब्लिक एरियाज, पुलिस स्टेशन में, मॉल्स में AEDs एस्टेब्लिश होने चाहिए. AEDs आर्टिफिशियल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर. सो इट्स अ मशीन विच डिलीवर्स शॉक एट अ स्पेसिफिक जूल. तो वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है. ये शॉक देने से जो हार्ट का रिदम है वो चेंज होकर नॉर्मल हो जाता है. सो यू कैन चेंज ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द वेंट्रिकुलर अरिथमियास. तो इतने पेशेंट का आप वो कन्वर्ट करा सकते हो. लेकिन AED हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो उसका ही विकल्प है CPR जो आप कर रहे हो, ताकि जब तक एम्बुलेंस आ जाए. हर एम्बुलेंस में AED होता है. जैसे एम्बुलेंस आएगा वो लोग शॉक करेंगे और पेशेंट को अस्पताल ले जाएंगे. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंस है AED का. तो जो पेशेंट इसमें से बच जाते हैं, ये मैं क्यों बताऊँ, जो पेशेंट इससे बच जाते हैं वेंट्रिकुलर अरिथमिया से, उनको आगे जाके एक ट्रीटमेंट भी कराना होता है जिसका नाम होता है एक पेसमेकर, AICD. ऑब्वियसली वो आपकी कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि कौन से पेशेंट को AICD लगाना चाहिए, कौन से पेशेंट को नहीं. इसमें बहुत सारे जेनेटिक स्टडीज भी होते हैं. आपने देखा होगा कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्री होता है, फादर की का भी वैसे डेथ हुआ था, सन का भी वैसे डेथ हुआ, भाई का भी वैसे डेथ हुआ. सो ऐसे लोगों में जेनेटिक हिस्ट्री होता है. तो इनका जेनेटिक टेस्टिंग भी होता है फॉर सम जीन्स विच आर एबनॉर्मल. तो उससे ये हार्ट का तकलीफ हो, जैसे लॉन्ग पीटी सिंड्रोम हो गया, शॉर्ट पीटी सिंड्रोम हो गया, देयर आर मल्टीपल सिंड्रोम जिसमें ये चीज़ हो सकता है. सो AICD अगर आपको किसी कार्डियोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया है तो उससे आप डिनाय ना करें, वो आपकी जान बचा सकता है. तो ये मशीन जो है अंदर से ही पेशेंट को शॉक दे देता है जैसे रिदम चेंज होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए सडन कार्डियक डेथ को. तो इसलिए एक उम्र के बाद आपको अपना कार्डियक वर्कअप कराना चाहिए. फॉर मेल्स इट शुड बी मोर देन 40, फॉर फीमेल्स मोर देन 50, बट नाउडेज मैं कहूँगा सभी के लिए. द एज मोर देन 40, 40 के ऊपर जैसे हो जाते हैं तो एक साल में या दो साल में एक बार आपका कार्डियक वर्कअप कराना है, जिसमें ECG, 2D एको और स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट आता है. ये चीज़ें आपको कराना है या अपने कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है और वो बताएगा आपको क्या क्या टेस्ट करना है. अपने शरीर को इग्नोर ना करें. स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इस चीज़ में. हार्ट अटैक भी स्मोकिंग से बहुत आता है और ब्लॉकेजेस भी बनते हैं. तो स्मोकिंग या टोबैको का इस्तेमाल ना करें. अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें. रोज़ रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए. अपने हार्ट को हेल्दी रखना है बाय डूइंग एटलीस्ट मिनिमम 7000 स्टेप्स पर डे. उतना तो आपको चलना है एट अ गुड स्पीड. ये सब आप रखेंगे, खाने पीने में परहेज करेंगे, ज़्यादा तेल वाला नहीं खाएंगे, तो ये चीज़ का इंसिडेंस कम हो जाएगा. आई होप कि मैंने कुछ लोगों को तो मेरे से सीख पाएंगे. इसी जगह जगह वर्कशॉप्स भी होते हैं जहाँ जाके आप लोग ये सीख सकते हो. इनफैक्ट कुशल कार्डियक केयर ये साल में, आने वाले साल में एक हमने लक्ष्य रखा है कि हम कम से कम 500 लोगों को ये चीज़ सिखाएंगे पब्लिक प्रेजेंस में जाके, सो दैट हम कुछ लोगों का जान बचा सकें. थैंक यू, धन्यवाद.